हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स सो स्टूडेंट आज हम करेंगे क्वेश्चन में फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करेंगे हम तो देखिए स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट क्या है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट दर्टिकुलर टाइम गिवन बाई देखिए स्टेन इस क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेट ए दिया हुआ है कि रिलेशन बनाना है ह्यूमन बींग का बनाना है ठीक है एक टाउन के ह्यूमन बींग का रिलेशन बनाना है हमें एट अ पार्ट एट ए पार्टिकुलर टाइम इसका रिलेशन कई तरीके का दिया हुआ है कोई सेम प्लेस करना है किसी में किसी में सेम लोकेलिटी करना है किसी में हाइट बतानी है तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा कैसे स्टार्ट करें तो देखिए स्टूडेंट पार्ट फिफ्थ का ए देखिए इस क्वेश्चन तो आपको क्या करना रिलेशन कोई भी इसका क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले सबसे तो आपको पहले क्या करना है आपको ध्यान से आपको क्या करना है रिलेशन निकालना है अगर आप रिलेशन निकाल लेंगे स्टूडेंट तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव का अच्छे से पता है क्या होता है तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे ठीक है देखिए स्टेडेंट रिलेशन निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको रिलेशन सही निकालना होगा तो ये आप सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे ठीक है देखिए स्टेड इसमें तो देखिए स्टेड आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन बहुत ईजी समझ में आएंगे ठीक है देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या करना है आर इज एक्स एंड वाई ठीक है रिलेशन क्या X, y होता है एक्स वाई होता है ठीक है इस टू एक्स एंड वाई जो है वर्क एट द सेम प्लेस तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई क्या एक इंसान है ठीक है एक्स अलग इंसान और वाई अलग इंसान दो इंसान के अलग अलग नाम है एक एक्स एक वाई है जो काम कर रहे हैं सेम जगह पे वर्क एट द सेम प्लेस ठीक है सेम जगह पे ये लोग काम कर रहे हैं तो ए हो जाएगा हमारा पहले देखिए क्या बना हुआ है आर इज कल टू ए बी सर ये इसलिए दिया होता था, था ताकि हम रिलेशन निकाल, निकाल लें और रिलेशन निकालेंगे तभी तो हम रिफ्लेक्सिक ट्रांस सॉल्व कर पाएंगे तभी तो हम रिफ्लेक्सिक सीमेट्रिक ट्रांस सॉल्व कर पाएंगे तो देखिए आपको ये इजीली देखना है ठीक है आपको बहुत ध्यान से ये पढ़ना है क्वेश्चन और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एट द सेम प्लेस तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन जैसे दो इंसान है एक एक्स है और एक वाई है ठीक है जो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए मान लीजिए ऑफिस है ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर कोई स्कूल में काम कर कोई टीचर्स है या फिर कोई ऑफिस में इंसान दो इंसान है ठीक है ये ऑफिस समझ लीजिए ऑफिस से पूरा ठीक है देखिए स्टूडेंट जब इसने बोला है कि वर्क एट सेम प्लेस सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं दोनों इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं सब सेम है तो क्या रिफ्लेक्सिव ये होगा ठीक है तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है स्ट्रेन की एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है y, होती है तो देखिए स्ट्रिंग इंग्लिश बोल दिया कि एक्स और वाई सेम है तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा होगा ठीक है इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो दोनों दोनों जो इंसान है वो सेम प्लेस पे काम करते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होता है एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ठीक है इसमें दिखा रहा है कि आपको एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं दोनों में सेम प्लेस है तो एक्स वाई y, y की वैल्यू क्या होगी सेम होगी होगी ठीक है तो आप क्या करें ये reflexive है। यहां लिख दीजिए आप रिफ्लेक्सिव ठीक है रिफ्लेक्सिव कैसे होगा एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर सेम जब दिया हुआ है तो एक्स एक्स बिलोंग्स करेगा आर में ठीक है इसमें तो देखिए इसमें कैसे आप पता चलेंगे एक कार्टिशन फार्मूला होता है कार्टिशन फॉर्म होता है आप आगे पढ़ेंगे उसने या आपने ट्वेंथ में पढ़ा होगा टेंथ इलेवंथ में आपने पढ़ा होगा कार्टीशन रूल क्या होता है इसमें एक्स एक्स भी होगा इसमें एक्स वाई है एक्स वाई दिया ही है वाई एक्स भी होगा और इसमें वाई वाई भी होगा तो एक्स एक्स दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव क्या होता है अगर देखिए एक्स एक्स दिया हुआ एक्स वाई दिया हो वाई एक्स वाई एक्स ये एक वैल्यू है ठीक है तो इस वैल्यू में एक्स एक्स दिया है तो ये हमारा क्या होगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया ठीक है आप से फॉर्म कर सकते हैं कार्टेशियन क्या होता है कार्टेशियन में एक एक्स एक्स होता है वैल्यू एक एक्स वाई होता है एक वाई वाई होता है एक वाई एक्स होता है होता है उसमें एक्स एक्स दिया हुआ है तो एक जगह है तो ये सोच लीजिए आपकी कार्टेशियन का फॉर्म है ठीक है तो क्या हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में क्या एक्स एक्स होता है तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव ठीक है और सेम भी दिया हुआ है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा होगा रिफ्लेक्सिव ठीक है तो एक्स एक्स बिलोंग कर करे में इस आर में एक्स एक्स है रिलेशन देखते हैं ना रिलेशन देखते तो ये मान लीजिए आपका ये आर है वर्क एट सेम प्लेस है लेकिन प्लेस को हम क्या करें रिलेशन ये ठीक है तो एक्स एक्स बिलोंग्स कर इसमें एक्स एक्स दिया हुआ है एक्स एक्स बिलोंग्स कर आर्म ये हो जाएगा हमारा इट इज रिफ्लेक्सिव ठीक है बिकॉज एक्स एंड एक्स आर वर्क एट सेम प्लेस ठीक है तो आप बस लिख लीजिए x x belongs to r आप बस इतना लिख के लिख देंगे इट इज इट इज रिफ्लेक्सिव अब देखिए इसमें सिमेट्रिक क्या हो जाता है देखिए सिमेट्रिक क्या होता है कि x एंड y अगर है अगर x एंड y की वैल्यू x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 2 है तो उसका उल्टा हो जाता है उल्टा हो जाए तो मतलब कि उल्टा मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी और y की वैल्यू वन हो जाएगी मतलब दोनों अपने वैल्यू को चेंज कर लेंगे ठीक है x की वैल्यू वन है y की वैल्यू टू है तो अब हो क्या होगा टू में क्या हो जाएगा y की वैल्यू टू हो जाएगी और x की वैल्यू वन हो जाएगी तो वो हमारा सिमेट्रिक होता है ठीक है देखिए कैसे करेंगे देखिए अगर एक्स एंड वाई काम कर रहे एक ही जगह पे अगर वाई अपना सीट यहाँ चेंज कर लेगा जैसे आप स्कूल में चेंज करते हैं सीट वाई अपना सीट यहाँ कर लेगा एक्स अपना सीट यहाँ कर लेगा तो क्लास तो एक ही है बस अपना सीट चेंज किए हैं सब तो कोई डिफरेंस नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है क्लास तो सेम है बस सीट चेंज किए हैं सब तो कोई डिफरेंस है नहीं वर्क एट सेम प्लेस जगह तो सेम है बस सीट चेंज किए तो ये क्या होगा ये हमारा सिमेट्रिक होगा तो क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई बिलोंग्स कर रहा है रहे में मतलब एक्स एंड वाई पहले था और अगर जगह चेंज करें क्या वो बिलोंग्स कर रहा है तो एक्स हमारी बिलोंग्स कर रहा है और हमारा वाई एक्स भी बिलोंग्स कर रहा है आर में वाई एक्स भी हमारा इस आर में है जगह चेंज कर लिए हम तो कोई डिफरेंस होगा नहीं सब में तो वाई एक्स भी बिलोंग्स है आर में तो ये हमारा हो जाएगा इट इज ठीक है अब ट्रांसटिव देखिए स्टेन क्या हो जाता है ट्रांसलेटि क्या होता है स्टूडेंट ट्रांसटिव आपको शायद आप अगर ध्यान से नहीं पड़ेंगे स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट ट्रांसलेटव आपको ज़्यादा जा, समझना पड़ेगा ट्रांसलेट आपको थोड़ा टफ लग सकता है आप ट्रांसलेटिव कन्फ्यूजन कर सकते हैं स्टूडेंट मैं अब यहाँ पे आपको ट्रांसलेटिव बता रही हूँ ईजिली वे में कैसे आप समझेंगे ट्रांसटिव है या नहीं है ठीक है तो स्टूडेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है देखिए स्टूडेंट ट्रांसटिव क्या होता है ट्रांसलेटिव में रिफ्लेक्सिव एक वाले चाहिए होता है सिमेट्रिक में दो चाहिए होता है ट्रांसट्रिक में तीन चाहिए होता है ठीक है तो यहाँ पे होता है ए बी बी सी और सी ए ए सी ठीक है देखिए स्टूडेंट अगर वन टू इसका मान लीजिए ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू वन है ठीक है अगर रिलेशन में वन टू थ्री टू टू फोर टू फाइव थ्री फाइव ऐसी ही आपका रिलेशन दिया हुआ है ठीक है सॉरी यहाँ रिलेशन आपका दिया हुआ है और कह रहे हैं स्टूडेंट अगर आपको रिलेशन में इतना ऐसे दिया हुआ है और ए की वाली वन है बी की वाली मान लीजिए आप रिलेशन बना रहे हैं आप तो ट्रांसटिव आप कैसे प्रूफ करेंगे तो आप पहले किस पर ध्यान देते हैं रिलेशन रिलेशन से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव बनता है बिना रिलेशन के रिफ्लैक्सिव सीमेटर ट्रांसटिव नहीं बन सकता ये आपको पता है ठीक है तो क्या हो जाएगा रि ट्रांसटिव बनाने के लिए हम क्या ले रहे हैं वन टू जैसे ले ले रहे हैं आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इसमें से लेकिन मैंने ले वन ले टू लिया है ठीक है तो अब देखिए क्या करते हैं इसमें ट्रांसटिव में कि हम ये ए है ये बी है तो हम क्या करते हैं है? स्टूडेंट ऐसा नंबर देखते हैं जो बी का जो इस इन दोनों में लास्ट नंबर कौन सा स्टूडेंट टू है तो अब देखिए इस इस रिलेशन में हम ऐसा नंबर देखते हैं जो टू से स्टार्ट हो रहा है टू से स्टार्ट हो रहा है तो टू से कौन सा नंबर स्टार्ट हो रहा है टू फोर भी स्टार्ट हो रहा है टू फाइव भी स्टार्ट हो रहा है ठीक है देखिए स्टूडेंट अगर तो हम इन दोनों में, में स्कोर भी सा, कोई सा भी ले सकते हैं ठीक है ठीके? तो देखिए स्टूडेंट वो लेंगे जो इस रिलेशन में है अभी तो इस अभी यहाँ अभी यहाँ ध्यान दीजिए कि स्ट्रीन टू फोर है मैंने ये लिया ये लिया, आप कोई ले से ले सकते दोनों में कोई से ले सकते हैं मैंने ये ले लिया ठीक है अब देखिए स्ट्रीन क्या करते हैं हमारा क्या बन गया ए बी बन गया बी सी बन गया ए बी बी सी और ए सी होता है ट्रांजिटिव में तो ए बी बन गया अब बी से देख बी में जो नंबर टू है तो इस रिलेशन में टू से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है दो हो रहा है लेकिन हम एक ही को देखते हैं ठीक है देखिए स्ट्रीन बी वाला बी सी बन गया हमारा ए सी बन गया बी सी बन गया टू से अगर स्टार्ट हो रहा है तो मतलब बी सी हमारा बन गया है ठीक है उसके बाद क्या करते हैं ए सी कैसे बनाते हैं स्टूडेंट ए सी बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि ये टू कैंसिल करके ये दो ये दोनों टू सेम से है तो हम कैंसिल कर देंगे अब बच्चा क्या हमारे पास ए हमारा क्या है वन है बी सी हमारा क्या है फोर है ठीक है आप कैंसिल नहीं करेंगे आप बस ऐसे सोचेंगे कैंसिल करना है ठीक है आप कॉपी में कैंसिल नहीं करेंगे ठीक है बस सोचेंगे कैंसिल करना है ठीक है देखिए स्टेट क्या हो जाएगा अब देखिए वन फोर हो गया ये ये टू फोर बन रहा था और ये वन फोर अब देखिए स्ट्रेन की क्या इस रिलेशन में ऐसा कोई वैल्यू है जो वन फोर है यह वन टू था यह थ्री टू है यह टू फोर ये टू फाइव थ्री फाइव नहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ जब इस रिलेशन में वन फोर तो ये वहां क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा ठीक है यह हो गया ट्रांजिटिव नहीं होना अब देखिए एक और ट्रांजिटिव हो कैसे तो ये देखिए अगर वन फोर होता तो ट्रांजिटिव होता ठीक है लेकिन एक और तरीका है ट्रांसटिव होने का वो क्या है वो बहुत बच्चे नहीं कर स... वो बहुत लोग भूल जाते हैं स्टूडेंट तो आपको यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट कि हम ट्रांसटिव कब कब होगा एक ट्रांसटिव दो बार होता है और ट्रांसटिव एक बार नहीं होता है जब ए सी नहीं होगा ट्रांसटिव नहीं होगा जब ए सी होगा ट्रांसटिव होगा और एक और होता है ट्रांसटिव होने का साइन वो क्या होता है देखिए स्टूडेंट आपका रिलेशन जैसे बना हुआ है यहाँ पे वन टू थ्री टू थ्री फाइव फोर सिक्स इतना रिलेशन हमारा बन चुका है ठीक है तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम हम इसमें से कोई सा भी नंबर उठा लेते हैं ठीक है थीके? कोई सा भी नंबर उठा के हम देखते हैं कि ट्रांसलेव हो कि नहीं जैसे हमने वन टू लिया आप थ्री टू ले लीजिए थ्री टू ठीक है थ्री टू ले लिया अब हम क्या करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट देखिए थ्री टू का लास्ट नंबर क्या है टू है टू है तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा ये ए भी हो गया हमारा तो हम क्या करते हैं उसके बाद लास्ट नंबर देखते हैं बी का देखते हैं लास्ट नंबर टू है अब इस हम रिलेशन में देखते हैं कि ऐसा कोई नंबर है जो टू से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें वन से स्टार्ट हो रहा है थ्री से स्टार्ट हो रहा है थ्री से स्टार्ट हो रहा है फोर से स्टार्ट हो रहा है इसको लिए देखनी तो हमने लिया है वन से स्टार्ट हो रहा है थ्री से स्टार्ट फोर् फोर से स्टार्ट हो रहा है ठीक है नहीं दिया हुआ तब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट जब इसका कोई पेयर है ही नहीं बी हमारा नहीं बन रहा है बी नहीं बन ही नहीं रहा है स्टूडेंट तो ये हमारे यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा ठीक है ट्रांसटिव होगा यहां पे आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि अगर बीसी भी नहीं बने तो तब ट्रांसटिव होगा अगर यहां पे ए सी नहीं बने तब ट्रांसटिव नहीं होगा लेकिन यहाँ पे बीसी बने तो ट्रांसटिव होगा ए सी भी बन जाए ट्रांसटिव होगा बी सी नहीं बने तो ट्रांसटिव होगा होगा ठीक है आया समझ में तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन दिया देखिए स्टूडेंट ट्रांसटिव क्या हो जाएगा ए बी बी सी सी ए सी होता है ठीक है तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे हम एक और ट्रांसटिव में हम, मैंने बताया अब स्टूडेंट क्या होता है तीन लोगों की ज़रूरत होती है रिफ्लेक्सिव में एक होता है सिमेट्रिक में दो होता है और ट्रांजिटिव में तीन होता है तो यहाँ पे हम एक और बंदे बढ़ा देंगे ठीक है ये एक्स है ये वाई है ये जेड हो जाएगा ठीक है तो देखिए स्ट्रीन एक्स वाई के साथ काम कर रहा है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ये होता है ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग्स करा है आर में ठीक है फिर वाई जेड के साथ करता है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए बी होता है ए बी ये है एक्स वाई ए बी होगा फिर बी सी होता है मतलब वाई जेड जाएगा वाई जेड भी बिलोंग्स कर है आर तो जब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स वाई के साथ काम कर रहा है वाई भी जेड के साथ काम कर रहा है तो जब तीनों इंसान एक ही जगह पे हैं तो कोई कोई भी किसी के साथ काम करे सिमेट ट्रांजिटिव होगा वो ठीक है एक्स वाई के साथ काम करे वाई जेड के साथ काम करे तो एक्स जेड भी काम कर सकते हैं एक साथ कर सकते हैं ए सी होता है तो एक्स ए है और जेड सी है वो भी बिलोंग्स करेगा जब सेम सेम जगह पर तीनों काम कर रहे हैं तो कोई किसी के साथ भी काम करे वो क्या होगा ट्रांसिटिव होगा ठीक है इट इज ट्रांजिटिव ठीक है हो गया अब देखिए हो गया फर्स्ट वाला ए हो गया बी करते हैं तो देखिए बी भी सेम यही है इसमें सेम प्लेस था इसमें लोकैलिटी है लोकेलिटी मतलब जैसे आप एक एरिया में रह रहे हैं एक सोसाइटी में रह रहे हैं एक जगह पर रह रहे हैं ठीक है ठीके? तो लोकेलिटी वही है ठीक है देखिए स्ट्रेन यहाँ पे देखिए सेम चीज है बस लोकैलिटी यहां पे प्लेस दिया हुआ है तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा सेम locality तो देखिए स्टेन यहाँ पे कोई एरिया जगह है ठीक है कोई जगह यहाँ पे आप रहते हो वो जगह हो गया एक सोसाइटी हो गई ठीक है तो देखिए देखिये यहाँ ये एक सोसाइटी हो गई जिसमें क्या आ रहा है ये एक्स है और वाई है ठीक है एक्स एड एक दिया हुआ है एक्स एंड वाई लीव एक्स एंड वाई रह रहे हैं एक लोकैलिटी में सेम लोकेलिटी में देखिए देखियो जब एक ही एरिया में रह रहे हैं स्टूडेंट और सेम है तो क्या हो जाएगा अब देखिए ये भी सेम हो गया ये भी सेम लोकेलिटी हो गया तो ये भी क्या हो कार्टिशन फॉर्म से बनेगा सेम लोकेलिटी हो सेम प्लेस हो गया सब क्या होगा कार्टिशन फॉर्म से बनेगा मतलब इसमें एक्स एक्स भी है इसमें वाई एक्स भी है इसमें वाई वाई भी है आप बस ऐसे समझ लीजिए जब सेम प्लेस है तो क्या हो जाएगा एक्स X, X X बिलोंग्स करेगा आर से आपको पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है होती है तो इसमें जब दे दिया है कि एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं स्टूडेंट तो एक्स एक्स भी होगा इसमें एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर में एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है स्टूडेंट सेम ऐसी मैंने किया कि, कि कार्टेशियन फॉर्म से बन जाएगा कि एक्स एक्स बिलोंग्स करेगा आर में रिफ्लेक्शन जब दोनों एक्स एंड वाई दोनों सेम हैं, सेम एरिया में रह रहे हैं स्टूडेंट तो एक्स भी एक्स से बिलोंग कर सकता है रिफ्लेक्सिव में ठीक है आप बस कार्टेशियन फॉर्म समझ लीजिएगा स्टूडेंट कि कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म हो गया ठीक है तो आप एक्स वाई है इसमें वाई तो वाई भी होगा वाई एक्स भी होगा और एक्स एक्स भी होगा इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया अब सिमेट्रिक होगा कि नहीं बताइए देखिए सेम लोकेटी में रहें तो वाई इसके इसके यहाँ चला गया वाई सेम सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं स्टूडेंट तो वाई इधर आ सकता है एक्स इधर आ सकता है आ सकता है लोकेलिटी तो चेंज नहीं हो रही इन लोग की बस इन लोग का जगह चेंज हो रहा है लोकेलिटी तो सेम एक ही एरिया में रह रहे हैं सब बस इन लोगों ने अपना जगह चेंज कर लिया है तो क्या होगा सिमेट्रिक होगा होगा एक्स वाई बिलोंग्स करें में क्या वाई एक्स कर रहा है तो वाई एक्स भी कर रहा है बिलोंग्स इट इज सिमेट्रिक ठीक है अब ट्रांसिटिव देख लीजिए ट्रांसिटिव हो नहीं इसमें एक और बंदा साथ कर रहे हैं वाई जेड एक साथ रह रहे हैं एक ही एरिया में तो क्या एक्स जेड भी एक साथ रह, रह सकते हैं रह सकते हैं क्योंकि एरिया इन लोग का सेम है एक्स वाई बिलोंग्स करे में वाई जेड भी बिलोंग्स r में तो एक्स जेड भी बिलोंग्स करेगा में इट इज ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव